नेक्स्ट है अ फंक्शन वी या स्क्रिप्ट वी इज सेट टू बी फाइनाइट हम किसी भी सेट फंक्शन को फाइनाइट कहेंगे कब कहेंगे इफ़ इट्स वैल्यूज़ आर रियल नंबर यानी देखिए कॉडोमेन तो हमारा क्या है एक्सटेंडेड रियल नंबर लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट के लिए वो वैल्यू सिर्फ़ एक रियल नंबर ही ले किसी भी किसी भी एलिमेंट के लिए वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए सब फाइनाइट होंगी तो उसे हम फाइन सेट फंक्शन को फाइनाइट कहेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन है ए सेट फंक्शन स्क्रिप्ट वी इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ स्क्रिप्ट वी वी ओवर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी यानी वी ऑफ ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए ठीक है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव है फॉर ऑल सेट फंक्शन ही पॉजिटिव है ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन है ए सेट फंक्शन स्क्रिप्ट वी इज सेट टू बी एडिटिव इफ स्क्रिप्ट वी ए यूनियन बी इज इक्वल टू स्क्रिप्ट वी ओवर ए प्लस स्क्रिप्ट वी और बी वैन एवर ए एंड बी आर डिश्वाइंट सेट्स यानी ए और बी हमारे दो डिस्टिंक सेट डिज्वाइंट सेट्स हैं इन स्क्रिप्ट ई स्क्रिप्ट ई के डिश्वाइंट सेट्स हैं जिसकी यूनियन भी स्क्रिप्ट ई e में है ठीक है तो जब जब मैं ए यूनियन बी के पर स्क्रिप्ट वी की वैल्यू निकाल लूँ इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो वी ए की जो स्क्रिप्ट वी के अंडर वैल्यू आएगी और बी की जो स्क्रिप्ट वी के अंडर वैल्यू आएगी उन दोनों के जोड़ के इक्वल आए ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन है ए सेट फंक्शन स्क्रिप्ट वी इज सेट टू बी मोनोटोन इफ वी ए इज लेस देन इक्वल टू वी बी वैन एवर ए एंड बी आर सेट्स इन स्क्रिप्टी यानी ए और बी किसके एलिमेंट होने चाहिए डोमेन के और सच डैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी अगर ए सबसेट है बी का उन जहाँ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सबसेट है उन सब में जो छोटा है सबसेट है उसकी वैल्यू उसकी फंक्शन की वैल्यू भी छोटी हो सुपरसेट की फंक्शन की वैल्यू से हर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट ई के लिए है ये ठीक है तो हम सेट फंक्शन को क्या कहेंगे मोनोटोन ठीक है नेक्स्ट रिमार्क है इफ़ फाइव बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट ई v इज़ अ मोनोटोन एंड v phi इज़ इक्वल टू zero देन v इज़ पॉजिटिव ठीक है फाई स्क्रिप्ट e में बिलोंग करता है v मोनोटोन है एंड v phi इज इक्वल टू zero ठीक है देन v इज़ पॉजिटिव इसका प्रूफ दिया हुआ है मैंने आपको सेंड किया हुआ है आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे